देखिए सुबह के 9 बज चुके हैं, घड़ी की सुई पर आप नजर डालेंगे सुबह के 9 बज चुके हैं, यानी कि बीते एक घंटों से काउंटिंग लगातार जारी है। और सबसे बड़ी खबर आज तक जो लगातार आप तक पहुंचा रहा है, 125 सीटों के 243 में से रुझान निकलकर सामने आए हैं, जिसमें आरजेडी प्लस महागठबंधन को 78 सीटों पर बढ़त साफ साफ दिखाई दे रही है। 55 सीटों पर अकेले आरजेडी आगे चल रही है, जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे 26 पर बीजेपी और एनडीए कुल 44 सीटों पर आगे अपनी बढ़त कायम रखे हुए हैं। लेकिन आरजेडी के बराबर या फिर महागठबंधन के बराबर अभी तक एनडीए एक बार भी नहीं पहुंच पाया है। ये आप रेसिंग ट्रैक पर देख रहे हैं किस तरह से दौड़ लगाते हुए ये दोनों ही चेहरे, एक तरफ 31 साल के तेजस्वी यादव है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें 69 साल के नीतीश कुमार बख्तियारपुर में, जिन्होंने जन्म लिया 6 बार मुख्यमंत्री, साल 2000 में कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 2005 के बाद खासतौर से 2013 से लेकर अगर 17 तक हम देखें तो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में आया। लेकिन 2020 में अंत क्या इस तरह से होगा नीतीश कुमार का, ये किसी ने भी सोचा नहीं था। आपको बताते चले, एक तरफ कांग्रेस जहां अच्छा कर रही है, वहीं पर जेडीयू की स्थिति बेहद खराब। जेडीयू 17 सीटों पर इन 46 में से अपनी बढ़त कायम रखने में कायम हुई है। फिलहाल एक बार जल्दी से आपको दिखा देते हैं ये जो बड़ी तैयारी आज तक ये करके रखी हुई है इस बड़ी स्क्रीन के जरिए कि कौन आगे कौन चल रहा है और पीछे कौन है। सुबह के 9 बजे तक आपका जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, शुरू से ही अररिया कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, औरंगाबाद से बीजेपी आगे चल रही है, बकरी से सीपीआई, देखिए सीपीआई सीपीआईएमएल इन लोगों के लिए भी एक अच्छी स्थिति इस महागठबंधन का हिस्सा बनने के बाद, क्योंकि 3 लेफ्ट पार्टियां अपने साथ लाने में तेजस्वी यादव कामयाब रहे। और रुझानों में महागठबंधन को बढ़त, रुझानों में कांग्रेस का भी अच्छा प्रदर्शन। 1995 में 29 सीटें कांग्रेस ने जीती बिहार में, 2015 में 27 सीटें जीती, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है। तो क्या अगले 20-25 सालों का रिकॉर्ड कम से कम कांग्रेस पार्टी छोड़ देगी, अपने आप में बड़ा सवाल। आधी से ज्यादा सीटों के रुझान निकलकर सामने आए गए हैं और रुझानों में बड़ी बढ़त कायम रखने में कामयाब तमाम मेहमान बने हुए हैं। लेकिन इस बड़ी से स्क्रीन पर आप नजर डालिए, आपको बताते चले जो महत्वपूर्ण मुजफ्फरपुर, बीजेपी आगे चल रही है, मुजफ्फरपुर में रैली भी हुई थी आपको बता दें एनडीए की, वहीं सहरसा में आरजेडी आगे चल रही है, बांकीपुर में कांग्रेस आगे चल रही है। लव सिन्हा के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, पहली बार चुनावी मैदान में 37 साल के लव सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक के रुझानों में वो आगे चल रहे हैं। और दूसरी तरफ बांकीपुर में कांग्रेस आगे चल रही है, कल्याणपुर में आरजेडी आगे चल रही है, राघोपुर से तेजस्वी यादव की बड़ी बढ़त लगातार कायम है, हथुआ में जेडीयू आगे यहां पर चल रही है, कुर्था में आरजेडी आगे चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें पूर्णिया में बीजेपी आगे चल रही है, पूर्णिया उसका गढ़ भी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है, औराई में भी बीजेपी आगे चल रही है, वहीं दूसरी तरफ झंझारपुर में भी बीजेपी आगे चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम केसरिया देखेंगे, ये विधानसभा क्षेत्र जिसका नाम केसरिया है, जेडीयू यहां पर आगे चल रही है, परसा में जेडीयू आगे है, शिवहर में आरजेडी है, छातापुर में आरजेडी, कांटी में आरजेडी आगे चल रही है, बेलागंज में आरजेडी आगे है, शेखपुरा में जेडीयू, नोखा में आरजेडी, सिमरी बख्तियारपुर में आरजेडी, सिमरी बख्तियारपुर वीआईपी के जो मुखिया है वो वहां से चुनावी मैदान में है, वीआईपी जो 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, मुकेश सैनी जो सेट डिजाइनर हुआ करते थे मुंबई महाराष्ट्र में, वहां से वो बिहार की राजनीति में वापसी करते हैं, 2015 में वो सेट डिजाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन मुकेश सैनी फिलहाल पीछे चल रहे हैं सिमरी बख्तियारपुर से, जमालपुर से कांग्रेस आगे चल रही है, हरनौत से जेडीयू आगे चल रही है, हरनौत उसकी सीट भी है, मोतिहारी से आरजेडी आगे चल रही है। तो ये अपने आप में ये बड़ी तस्वीर जो बड़ी पिक्चर आपके सामने है, इसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त आरजेडी प्लस के लिए स्थिति कितनी अच्छी है, जबकि एनडीए के लिए स्थिति खराब है। 50 सीटों पर ही 133 के जो रुझान 243 में से सामने आए हैं, 133 पर ही इस वक्त रुझानों के हिसाब से 133 सीटों के रुझान में एनडीए 50 पर और आरजेडी 79 पर अपनी बड़ी बढ़त, 78 हो गए अन्य चार, यानी कि यहां पर एलजेपी देखे। और इसी सवाल के साथ आशुतोष जी जल्दी से एक बार ये अन्य चिराग पासवान पर भी नजर डालनी होगी, हालांकि 2 ही सीट उन्होंने जीती थी 2015 में, लेकिन अन्य में ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं कमाल कर रहे हैं। आपको याद होगा कि मैं आपके चैनल पे मैं शुरू से ये कह रहा था कि चिराग पासवान बहुत ही ओवररेटेड आदमी है, उनका चुनाव में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, मैंने आप कई बार, लेकिन वो 2005 का उदाहरण दे रहे थे, 29 सीटें जीती थी फरवरी में उस समय। देखिए मैं मेरा चिराग पासवान रामविलास पासवान की राजनीति में कोई उम्मीद नहीं है, इन्होंने दे हैव डन पीएचडी इन द पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, और उसका हम लोग महिमा मंडन करते हैं कि मौसम वैज्ञानिक। असल चीज क्या है कि कोई भी सरकार हो, इनकी कोई विचारधारा नहीं, कोई भी सरकार हो, हर सरकार में ये लोग मंत्री होते हैं,
हर जगह ये होते हैं और उसको फिर वो अपने आप को नाराजगी तो सिर्फ नीतीश कुमार से थी ना, वो बीजेपी के साथ तो बने हुए थे, कोई उनकी नाराजगी नहीं थी, वो ट्रोजन हॉर्स थे, ही वाज अ ट्रोजन हॉर्स। जो एक सवाल है, बोलिए रोहित जी, बोलिए सवाल है, कांग्रेस पार्टी की कौन सी विचारधारा है? अब आप ऐसा सवाल कर रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी की कौन सी विचारधारा है आप जरा बताइए, बीजेपी की कौन सी विचारधारा है बताइए मुझे, कम से कम बीजेपी की कौन सी लेकर के वो चलता, संगीत जी आप बताइए बीजेपी की कौन सी विचारधारा है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर कौन सा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कौन सा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद? बांग्लादेशी मुद्दों को आप कहते हैं कि वो, अगर आप बांग्लादेशी मुद्दों को कहते हैं कि वो कम्युनलिज्म का मुद्दा है, अगर आपको कांग्रेस की विचारधारा नहीं याद आ रही तो आपको टिप्पणी, कांग्रेस इस देश, ये देश अगर सेकुलर रहा है तो वो कांग्रेस की विचारधारा की वजह से, सेकुलरिज्म की परिभाषा ये है कि हाथ काट दे और इसके बाद कांग्रेस चुप रहे। आपके लोग क्या करते हैं, बीजेपी क्या करती है? अभी सेकुलरिज्म की विचारधारा, सेकुलरिज्म की विचारधारा यही है कि आप आपको क्या बोलते हैं, मिशनरियों के थ्रू अंडर हैंड डील करें, सेकुलरिज्म की विचारधारा ये है कि आप पश्चिम बंगाल के अंदर क्या कर रहा, खुलेआम कर रहा है डेड बॉडी कर रहा है, सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, 10 नेता इधर के तो 10 नेता उधर के, किसी एक पार्टी को आप सर्टिफिकेट दे दें ये भी फिर निष्पक्ष नहीं होता ना सर, क्योंकि 4 नेता आप करेंगे, मैं भी आपको 136 रुझान है, 80 पर आरजेडी चल रही है, 53 पर एनडीए आगे चल रहा है, प्रशांत किशोर कहाँ है, कुछ जानकारी है आपको कि नहीं? भाई बड़े चर्चे हुए, जानकारी होगी। नहीं नहीं, मुझे लगा क्योंकि आप भी अब वापस पत्रकारिता में सक्रिय हैं, शायद कहीं कोई इंटरव्यू लास्ट पिछले कुछ दिनों में, कहीं कोई बातचीत, कहीं कोई चर्चा, कहीं कुछ पता लगा हो कि वो कहाँ है। हर उस चुनाव में थे जहाँ पे जीतने वाली पार्टी, आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जब वो कांग्रेस पार्टी के साथ थे तो उन्होंने कौन सा चमत्कार कर दिया, तो मौसम विज्ञान का दफ्तर तो अच्छा चलाते हैं ना, बिहार के अंदर अपनी पार्टी बनाने की बात कर रहे थे, ठीक है तो वो कहाँ है आज, कितनी सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं, पीके पर बाद में बहस करेंगे, आंध्र प्रदेश में थे, जीतने वाली पार्टी थी जगनमोहन, चुनाव के पहले जगनमोहन जीतने वाली पार्टी थी, ये बात सच है, चाहे वो जगनमोहन रेड्डी रहे हो, जहाँ जहाँ रहे हो, जीत जिधर होती है लेकिन मौसम ठीक है, गुरु प्रकाश जी इतने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट, आप बिहार के अंदर पार्टी फ्लोट करने जा रहे थे, आप लड़ते चुनाव, गौरव भाटिया आगे चलिए, गौरव जी स्वागत है आपका, गौरव भाटिया प्रधानमंत्री ने नारा दिया, बिहार की जनता ने कहा ठीक है वोकल फॉर लोकल, नहीं रोहित जी पहले तो आप सभी को नमस्कार, आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है और हमें पूरी आशा है कि जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, जो रुझान आ रहे हैं वो हमारी आशा अनुरूप नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अभी थोड़ी जल्दी है, हमें इंतजार करना चाहिए, 12:30 के आसपास नतीजे भी सामने आएंगे और रुझान भी बिल्कुल स्पष्ट होने लगेंगे, और एक बात के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि ये बिहार का वो चुनाव रहा रोहित जी जब केवल पहले धर्म की राजनीति होती थी, जात की राजनीति होती थी, माय फैक्टर कहा जाता था, बहुत ही परिपक्व तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने ये चुनाव लड़ा और विकास को एक मुद्दा बनाया, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा और परिणाम हम आशा करते हैं कि हमारे को जीत दिलवाएंगे और इस बात का हम इंतजार करेंगे, ठीक है 31 सीटों पर आप आगे हैं और जेडीयू अभी तक के रुझानों के मुताबिक ही बातचीत करनी होगी सर, 9 बजे का आपने टाइम दिया है इसीलिए 32 पर आप आगे चल रहे हैं, 31 सब हो गया और 20 पर जेडीयू, ये क्या बता रहा है, हमेशा छोटे भैया के किरदार में आपने अपने आप को देखा लेकिन जनता आपको कुछ बता रही है क्या इसके साथ? अंजना जी छोटा और बड़ा तो आप लोग तय करते हैं, हम लोग तो जुड़वा भाई मानते हैं एक दूसरे को और कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, एक दूसरे को हम लोग साथ देते थे, आपने रैली में भी देखा होगा किस तरह से चाहे हमारी पार्टी का केंद्र का नेतृत्व हो या प्रदेश का हो सब मिलजुल के चुनाव लड़ रहे थे, और सही आप बात कह रही है कि 9 बजे मुझे समय दिया गया है, 9 बजे के रुझान मैंने इसीलिए शुरुआत करी वैसे नहीं है जैसे हमने उम्मीद करी थी, लेकिन उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं ना, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू की तरफ से, डॉक्टर साहब क्या ऑपरेशन टेबल पर ले जाने की नौबत आ रही है, क्योंकि अभी रुझान ही है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा लेकिन रुझान साफ संकेत देते हुए कि जेडीयू की परफॉर्मेंस बहुत ही नीचे जा रही है, वहीं आरजेडी में आप देखिए ना सर 58 सीटों पर बढ़त शुरुआती रुझानों के मुताबिक।
निश्चित ही अंजना जी जेडीयू के परफॉर्मेंस पर देखें, लेकिन ये शुरुआती रुझान है, हमें अपने काम पर भरोसा है, आगे देखें क्या होता है, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन हाँ, कुछ बातें जैसे आशुतोष जी ने कहा कि कोरोना के मिसमैनेजमेंट के कारण एक महीने में यह हालत हुई, तो मैं बता दूं कि राज्य सरकार में इनिशियली कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ न हुआ हाहाकार मचा, लेकिन इधर 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 कुछ महीनों से कोरोना के मैनेजमेंट में टेस्टिंग सबसे ज्यादा बिहार में हो रही है, बिहार में पॉजिटिविटी रेट कम है, इसलिए वो कारण तो उनसे मैं अग्री नहीं करता। दूसरा देखिए, मिथुन तिवारी जी ने तुरंत में तेजस्वी यादव जी को भगवान का अवतार बता दिया, ये एक बात का द्योतक है कि किस तरह साइकोफेंसी राज फिर होने वाला है। हमें लगता है कि साइकोफेंसी की चरम सीमा है जब आपने नेता का आप फोटो लेके भगवान का दर्जा दे दें। एनीवे, अभी तो हम लोग चुनावी परिणाम पर देख रहे हैं, चुनावी परिणाम में भी आने हैं, हम लोग आगे देखें होता है क्या। ठीक है, और परिणाम का इंतजार करना भी चाहिए, जब इतना हम लोगों ने इंतजार किया है, किस तरह के शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन इतना होने के बाद तो डॉक्टर साहब पेशेंट को मतलब ऑपरेशन टेबल पर ले जाने की नौबत आने लगती है, अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी आपसे तो अब ज्यादा बोलने को है नहीं, आपने पता नहीं अपना मनोरंजन का कार्यक्रम क्यों अचानक ही रोक दिया है सर। नहीं, हमको बोलना नहीं, अब हमको जनता की सुनना है, लेकिन हमारे चिकित्सक है, हमारे बड़े भाई है, रखिएगा 10 लाख नौकरी पर हस्ताक्षर के लिए, वो तैयार है। अंजना जी अभी हमारे बोल रहे थे, बड़े भाई है, चिकित्सक है, जेडीयू के प्रवक्ता है, कि हमने कहा भगवान, हमने कहा राजनीति के अवतार। अब इनको तो लगता है कि आंख के ये डॉक्टर हैं, लेकिन कान भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा तेजस्वी यादव जी एक नौजवान जो राजनीति का अवतार नया सामने आया देश की राजनीति का, ये तो उनका लोहा मानना पड़ेगा ना, क्रेडिट तेजस्वी जी को देना पड़ेगा, उन्होंने सकारात्मक राजनीति की, मुद्दे की बात की। अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे कि हम विकास के मुद्दे पर थे, अरे आप तो सारे विवादित मुद्दे की लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने नकार दिया, हमारे नेता ने नकार दिया। उन्होंने कहा बेरोजगारी की बात होगी, भुखमरी की बात होगी, पलायन की बात होगी, इस पर हमने घसीट कर मुद्दे पर आपको लाया, और जनता का जनादेश आएगा, देख लीजिए, कितना भी इंतजार कर लीजिए, एनडीए की हार निश्चित है, इसे कोई लेकिन थोड़ा रोक तो नहीं इंतजार सकता कर लीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी, आप भी जल्दबाजी में, मतलब वो इंतजार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा जल्दबाजी में ही दिखाई दे रहे हैं, पिछली बार जो बिहार ने किया था वो आपको याद है ना सर? एक सेकंड, बिहार ने जो पिछली बार किया था, पटाखे फोड़े जा रहे थे, देखिए हाथ जल गया बाद में, थोड़ा सा इंतजार कीजिए सर, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। चित्रा जी, जब अंजना जी जब परीक्षार्थी एग्जाम देता है, जानता है परीक्षार्थी को, ये विश्वास होता है हमने सभी सवालों का जवाब दिया है, तो हम फर्स्ट करेंगे। अरे उधर वाला परीक्षार्थी भी तो उतना ही खुश है, विश्वास हमने जीता है, उधर वाला परीक्षार्थी भी तो गौरव भाटिया जी भी उतने ही आश्वस्त है, क्यों गौरव भाटिया जी अंजना था वो कम भी हो रहा है, देखिए 62.79 हो चुका है, चेहरा बता रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी, जल्दी से बता देते हैं 148 के रुझान, देखिए 150 पर ये आंकड़ा पहुंचने वाला है, 148 के रुझान सामने आ गए हैं, और जो आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। मृत्युंजय तिवारी जी, 64 पर एनडीए, 80 पर आरजेडी प्लस, कहां आप सीधे डबल थे शुरुआती रुझानों में सुबह 8:30 बजे तक, और अब ये आंकड़ा घटता हुआ नजर आ रहा है। मृत्युंजय जी, एनडीए 64 पर पहुंच चुका है और आरजेडी प्लस 80 पर आपकी बढ़त कायम है, लेकिन जो बहुत बड़ा गैप था वो गैप मृत्युंजय जी कम होता हुआ, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए आपको। लेकिन अंतोगत्वा अंतिम परिणाम हमारे पक्ष में होंगे, इस बात की हम गारंटी आपको देते हैं। ठीक है गौरव भाटिया जी, फासला थोड़ा सा घटा है, दिखाइए भाई एनडीए का, दिखाइए फासला थोड़ा घटा हुआ दिख रहा है। मैं शुरुआत करूंगा, वो बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता था कि अपने चूजे तब गिनिए जब अंडे से बाहर आ जाएं, और यहाँ इतनी जल्दी है कि अभी से खुशियां मना रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है इनकी खुशी कहीं ना कहीं जायज इसलिए है कि सालों साल बीत गए बेचारे खुश नहीं हुए, तो इसलिए अगर कुछ घंटे के लिए खुश होना चाहते हैं तो खुश हो सकते हैं। लेकिन आशुतोष जी अगर आपके आसपास हैं, रोहित जी, अंजना जी, चित्रा जी, तो मैं एक ही बात कहूंगा, कोविड मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे थे भाई साहब,
अरे कोविड मिसमैनेजमेंट, महाराष्ट्र में 17.5 लाख केस हैं, वहां पे 45,000 भारतीयों की जान चली गई और ये कुछ नहीं बोलते हैं। बिहार की जनसंख्या उतनी है, काफी बेहतर किया है, तब भी कुछ नहीं कहेंगे। कोविड मिसमैनेजमेंट कहां हुआ? बिहार में हुआ। ये राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, ये केवल और केवल एजेंडा चलाते हैं भाजपा के खिलाफ और जो भी विपक्ष में होता है उसके साथ। हमें यकीन है, हम यकीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जो भी जनता परिणाम देगी, फैसला करेगी, उसको हम सर माथे पे रखेंगे। अंजना जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, हाँ। बीजेपी के प्रवक्ताओं को मेरी बात इतनी चुभती क्यों है? मुझे इतना नहीं, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता है भाई साहब, इसलिए हमें आपकी कोई बात नहीं छुपती। सालों साल हमने आपको रुदाली बने देखा है। की जरूरत क्यों है? दो घंटे के लिए की जरूरत क्यों है? मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बिलीव मी। आप रुदाली हैं, भारतीय राजनीति के रुदाली। भाजपा जीतती चली जाएगी, आप रोते चले जाएंगे। आशुतोष जी, आप ही ने पहले ललकारा था, तो अब तो सुनना ही था। ये नहीं ललकारा क्या, मैं आपको दे रहा हूँ, प्रवक्ता आप बताइए, कोई विश्लेषक ये बात कहे कि भारत पे सेक्युलरिज्म इसलिए जिंदा है? तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है। आपने लेकिन कहा था ना कि आपका अस्तित्व क्या है अगर आप कांग्रेस पार्टी को नहीं समझते हैं सर, और जो आपका एक छोटा सा स्टिंट रहा पॉलिटिक्स में वो कांग्रेस के खिलाफ आने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी में रहा, उस वक्त जो उसका स्टैंड था। बहरहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 154 देखिए, अब रुझान बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ, लेकिन जो फासला है वो भी घटता हुआ, 66 एनडीए और 81 आरजेडी को जाता हुआ फिलहाल रुझानों के मुताबिक। 19 सीटों का नुकसान अगर एनडीए को होता हुआ दिखाई दे रहा है तो 18 का फायदा उधर, 7 पर अन्य 2 का फायदा उधर दिख रहा है, लेकिन बीजेपी 38 पर आगे और जेडीयू 24 पर। बीजेपी बड़ी पार्टी बनती हुई एनडीए में साफ दिखाई दे रही है, वहीं आरजेडी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी मानी जाएगी। हम आप सीट वाइज भी परफॉर्मेंस हर पार्टी का देंगे, 7 सीटों में से 4 पर बीजेपी आगे। एक एक देखिए, हर जो कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर क्या हो रहा है, और सीट वाइज हम आपको बाई तरफ भी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए आज तक के जो तस्वीरें और जो एनिमेशन होता है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और वो समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि कैसे सीट को लेकर खींचतान हो रही है, और उसमें फिलहाल जरूर बाजी मारते हैं। 66 और 82 का यानी फासला अब लगभग 16 सीटों का होता हुआ आ गया है, कम हो रहा है ये फासला जो अभी तक दिख रहा है। एक बार फिर से अगर हम ये बड़ी स्क्रीन अपने दर्शकों को जरा दिखाएं तो तस्वीर साफ होगी। अभी तक के नतीजे के मुताबिक 82 155 में से, और इधर जो 66 है उस पर एनडीए आगे है और 82 इधर, यानी 16 का फासला अब बचा है, जो एक वक्त पर डबल शुरुआती रुझान जब पोस्टल बैलेट आए थे। बिहार लगता है जैसे पिछली बार अचानक से सरप्राइज कर दिया था बिहार ने, इस बार कहीं फिर से सरप्राइज तो नहीं कर देगा? प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ आ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता है। प्रेम मिश्रा जी, आप अभी अपने पत्ते खोलना चाहते हैं या फिर इंतजार करना चाहते हैं आप भी 1:30 बजे तक? नहीं, हमारे पत्ते खुले हैं, लेकिन मतगणना में के पत्ते बंद है सर, बाकी सबके खुले हैं। नहीं, पत्ते बंद खुलने का सवाल नहीं है, लेकिन ये सच है कि अभी तो आरंभिक 1 घंटा हुआ है, तो अभी के रुझान को ज्यादा कुछ समझ लेना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। लेकिन रुझान जो संकेत दे रहे हैं वो हम लोग के हिसाब से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं और जो डिफरेंट चैनल्स ने भी अपने एग्जिट पोल दिखाया है, ये तो उसी अनुरूप ही जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अभी हम सभी को प्रतीक्षा करनी चाहिए, और गौरव भाटिया जी को मैं सलाह दूंगा कि पिछले बार की तरह पटाखा मत फोड़ना शुरू कर दीजिए। ये बिहार की जनता है, परिपक्व जनता है और सोच समझ कर मतदान करती है, और मेरा मानना है कि ये इलेक्शन कंपेनिंग में दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि पटाखे पर उसी अनुरूप ही परिणाम भी आएंगे। यहाँ तो बातों से तो पटाखे चल ही रहे हैं कम से कम, बोलिए। ऐसा रोहित जी, देखिए जनता की सलाह जरूर ले लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर सलाह देती है तो कोई नहीं मानता है, क्योंकि इनके पास तो ऐसा पटाखा है कि हर दिवाली में निकालते हैं जलाते हैं, लेकिन कभी जलता ही नहीं है बेचारा, और उसके बाद आके हम लोग को सलाह देते हैं। 70 सीटों पे केवल आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसी तरह के अहंकार भाई साहब, देखिए विचलित मत होइए, विचलित मत होइए, करते रहिए। मेरी दरख्वास्त है भाई साहब, अपनी बारी में बोल लीजिए, चलते रहे।
आपका पटाखा सीधा हुआ है वो बेचारा नहीं चलता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिस तरह से नेगेटिव कैंपेन अंदर की भड़ास है, आज का दिन है, निकाल लीजिए, एक दो घंटे की बात है, आप निकाल लीजिए, कोई बात आप कहीं चैनल में नजर नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, हम हर चैनल में आएंगे। गधे के सर से सींग गायब हो गए थे, कांग्रेस के प्रवक्ता चले गए थे, रुके ना लड़िए मत, 2019 के चुनाव में ये 67 के निशान आने के बाद सीटों का अंतर घट रहा है, 67 सीटों पर 67 पर एनडीए आगे चल रहा है और 85 सीटों पर आरजेडी और सहयोगी इस समय आगे चल रहे हैं। अभी की जो स्थिति है उसमें जेडीयू से कहीं आगे बीजेपी इस समय दिखाई दे रही है, एनडीए में 40 सीट पर बीजेपी आगे, जेडीयू 24 सीट पर आगे चल रहा है, महागठबंधन में आरजेडी 60 सीट पर आगे, कांग्रेस 19 सीट पर इस समय आगे चल रही है। प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर चित्रा के पास चल रहे, बोलिए प्रभु। मैं देख रहा था कि जो आप दिखा रहे हैं आंकड़े, शुरू में लग रहा था कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है जी। अब सवाल ये देखना है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस इधर अच्छी है, उधर आरजेडी की परफॉर्मेंस अच्छी है, देखना यह है कि कांग्रेस के अगर सरकार बनेगी ये अच्छी, कितना मार्जिन रहता है ये कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है, कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, ऑलमोस्ट वन थर्ड सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है, अगर वो पीछे रह गई तो वहाँ पर जो गैप आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि कांग्रेस की बढ़त शुरू में जो दिखाई दे रही थी वो कम हो रही है, इसी तरह बीजेपी के साथ जो है बीजेपी की बढ़त बढ़ रही है और जेडीयू की कम हो रही है। तो जेडीयू और कांग्रेस इन दोनों की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि सरकार के अंदर बनाने में और ना बनाने में कितना अंतर रहने वाला है। बिल्कुल, प्रभु जी ने महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है। देखिए, चिराग पासवान ने चुन चुनकर अपने कैंडिडेट वहीं पर उतारे थे जहां पर जेडीयू के लोग मजबूत थे, तो क्या यहाँ चिराग ने खेल खराब कर दिया है, उस पर प्रभु जी से मैं सवाल लूंगी। लेकिन उसके पहले जरा फिर से कंप्यूटर बाबा की मदद से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए स्ट्राइक रेट, अभी का स्ट्राइक रेट क्या कहता है, यहाँ पर आपके सामने ये स्ट्राइक रेट सरकार बनाने के लिए एनडीए और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष को यहाँ पर जानिए, अभी तक को जो रुझान सामने आए हैं 88 पर आरजेडी प्लस आगे चल रही है और 69 पर एनडीए आगे चल रही है, और यहाँ पर जो मौजूदा स्ट्राइक रेट है वो एनडीए का हम आपको दिखा रहे हैं 68 पर आगे और स्ट्राइक रेट 41 का है, लेकिन सरकार बनाने के लिए 54 सीटें और चाहिए, यहाँ पर 68 का स्ट्राइक रेट यहाँ पर देना होगा। दूसरी तरफ आरजेडी प्लस की हम बात कर ले तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, देखिए मौजूदा स्ट्राइक रेट 53 का है, जरूरी स्ट्राइक रेट 43, सरकार बनाने के लिए 33 और चाहिए, और यहाँ पर आपको बताते चले 61 पर आरजेडी अब बढ़ चुका है आंकड़ा, 63 पर आरजेडी आ गई है, यानी कि 2015 में जो 80 सीटें आरजेडी ने पाई थी 17 सीटें अगर उसको और मिल जाती हैं तो यकीनन 2015 के आंकड़े को वो छू लेगी, और उसके बाद क्या तेजी से और आरजेडी आगे बढ़ेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है, कैसे बनेगी सरकार इस पर हम आएंगे। लेकिन उसके पहले जरा जल्दी से कुछ और बातों पर नजर डाल लेते हैं जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सीधी टक्कर कहां कहां पर देखने को मिल रही है, बीजेपी वर्सेस आरजेडी की अगर हम बात कर ले तो देखिए यहां पर बीजेपी और आरजेडी के बीच में सीधी टक्कर जिन सीटों पर है वहां का स्ट्राइक रेट ये खींचतान लगातार जारी है, 45% का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जबकि दूसरी तरफ आरजेडी का यहां पर 55% का, यानी कि आरजेडी भारी पड़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। वहीं अगर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बात कर ले, आमने सामने जहां पर इनके कैंडिडेट चुनावी मैदान में है उसके लिहाज से कांग्रेस पार्टी का 33% का है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का यहां पर 67% का है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस पे आमने सामने की टक्कर जहां पर है वहां पर बीजेपी फिलहाल कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई, लेकिन वो अपने पुराने तमाम जितने आंकड़े रहे हैं उससे आगे निकलती हुई कांग्रेस पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। स्ट्राइक रेट की हमने बात कर ली, सीधी टक्कर हमने आपको दिखा दी, लेकिन कितने पड़े वोट जरा उस पर भी नजर डाल लीजिए। देखिए जो वोटिंग प्रतिशत होता है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है, और इस बड़ी सी बॉल के जरिए आपको हम दिखाएंगे 2005 में 47% वोट पड़े थे, फरवरी में चुनाव हुआ था लेकिन किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, किसी भी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई थी, और इसी वजह से 8 महीने के भीतर अक्टूबर 2005 में फिर से वहां पर चुनाव होते हैं, 46% उस समय उसका वोटिंग प्रतिशत था, जिसके बाद 2005 के बाद नीतीश कुमार गठबंधन के जरिए सत्ता में आते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। फिर 2005 से 2010 तक जो शानदार काम किया गया था नीतीश कुमार की ओर से, जिसका जिक्र भी बार बार किया जाता है, 2010 में 53% यहां पर वोट प्रतिशत बढ़ा भी था, और उसके बाद प्रचंड तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई थी, उस समय का वोट प्रतिशत 53% था। 2015 में ये और ज्यादा बढ़ता है, 2015 में 57% वोट प्रतिशत रहता है, यानी कि 2005 और 2010 के मुकाबले ज्यादा तादाद में निकलते हैं मतदाता और फिर वोटिंग की इस प्रक्रिया का, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनते हैं। 2020 में कोरोना का काल है, देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात कोरोना की बात को हमेशा जेहन में रखना होगा, कोरोना काल के दौरान अगर चुनाव आयोग 57%
मतदान कराने में कामयाब होता है तो ये अपने आप में बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। और यहाँ पर 2015 को मेंटेन करता हुआ 57.7% 2020 में मतदान हुआ है। और इसमें भी आपको बताते चले कि जो आखिरी चरण का मतदान था उसमें 10% महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा तीसरे चरण में वोट डाले हैं, जबकि दूसरे फेज में सेकेंड फेज में महिलाओं का फीसदी 4% ज्यादा रहा है पुरुषों के मुकाबले। और इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो 57% आपको नजर आ रहा है इसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब सवाल ये भी खड़ा किया जाता है कि महिलाएं जब बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा देती हैं तो अभी तक का इतिहास नीतीश कुमार के पक्ष में रहा है, लेकिन क्या इस बार तेजस्वी बाजी मार ले जाएंगे जैसा कि आंकड़ों में इस वक्त दिखाई दे रहा है। देखिए 174 के रुझान सामने आए हैं, 70 पर एनडीए, 94 पर आरजेडी प्लस, यानी कि धीरे धीरे करके शतक के करीब यहां पर आरजेडी प्लस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 122 सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए तो क्या थोड़ी ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी रुझानों में ही सही, हालांकि 12 बजे के बाद पूरी पिक्चर साफ हो पाएगी। लेकिन ये वोट प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं 2005 से लेकर 2020 तक का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो किस तरह का रहा है, और इसके जरिए दरअसल इस बात को हम समझ सकते हैं कि अभी की स्थिति क्या कहती है। सीट गणित पर भी एक नजर डालना जरूरी है। 2015 का ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, 2015 में देखिए किसको कितनी सीटें, हालांकि एनडीए का स्वरूप बिल्कुल अलग था उस समय, चिराग पासवान बीजेपी के साथ थे, बीजेपी को तिरपन से बड़ी खबर आ रही है। रुझानों में महागठबंधन आगे और एनडीए 70 सीटों पर आगे, रुझानों में एनडीए 70 सीटों पर आगे जबकि आरजेडी 96 पर आगे चल रही है। आरजेडी प्लस यानी कि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट की पार्टियां और शतक से 3 रुझानों में 3 सीटें दूर आरजेडी 177 के इन रुझानों में नजर आ रही है, यानी कि जैसे ही 3 आंकड़े उसके साथ जुड़ते हैं यह 98 हो गया। आरजेडी प्लस 98 जिसमें से 66 अकेले आरजेडी का है। कांग्रेस पार्टी 23 पर 27 सीटें उसको मिली थी 2015 में, इस समय 23 पर आगे चल रही है। जेडीयू 27 पर, 39 पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि जेडीयू के मुकाबले बीजेपी का प्रतिशत ज्यादा है, यार में 175 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। और 179 हम नीचे आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 179 243 में से एनडीए 71 पर, आरजेडी 98 पर, 2 का आंकड़ा और जुटे ही 99, आरजेडी प्लस 99 यानी, और ये देखिए 100 हो गया, आरजेडी प्लस 100 यानी कि उसका जो प्रदर्शन रहा था खासतौर से आरजेडी, देखिए 68 सीटें सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, 80 सीटें उसने नीतीश कुमार के साथ मिलकर 2015 में हासिल की थी। और यही अगर ट्रेंड रहा तो अपने उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आरजेडी आगे बढ़ सकती है, लेकिन एनडीए भी धीरे धीरे ही सही, जो डबल का आंकड़ा शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रहा था फिलहाल वो गैप अभी कम हो गया है। एनडीए 72 पर, आरजेडी 100 सीटों पर इस वक्त अपनी बढ़त आरजेडी प्लस महागठबंधन बनाए हुए है। 22 सीटें और चाहिए रुझानों के लिहाज से, 22 सीटें और चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब वो 22 सीटें क्या आरजेडी प्लस हासिल कर लेगी, क्या तेजस्वी का तेज चल जाएगा या फिर एनडीए गुजरते समय के साथ कुछ कमाल कर लेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रभु जी जल्दी से इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। रुझानों में तो महागठबंधन ने बढ़त बना ली है और 22 सीटें और चाहिए सरकार के लिहाज से अगर देखा जाए तो। जिस तरह रुझान पहले गैप कम होता चला जा रहा था, फिर लगता है थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा सा बढ़ा, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। सवाल ये है कि एग्जिट पोल के बराबर हम पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, इस हिसाब से देखना है हमारे को। मेरे को लगता है 73 और 100 में जो फर्क है वो काफ़ी अब 101 हो गया वहां पर, तो हम एग्जिट पोल की तरफ बढ़ रहे हैं कि 2/3 मत जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे उस पर। लालू प्रसाद यादव की ये पहली तस्वीर, रांची की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जिनकी सेहत भी ठीक नहीं है लेकिन यकीनन तौर पर लगातार वो पल पल टीवी पर अपनी नजरें बनाए, और ये पहली तस्वीर लालू प्रसाद यादव की दिखाई दे रही है। 72 साल के लालू यादव जिन्होंने 15 सालों तक आरजेडी की सरकार चलाई, 1990 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बने, 97 में और जब उनको सजा हुई तो राबड़ी देवी को उन्होंने जी क्यों दिखा रहे हैं जी पीठ क्यों दिखा रहे हैं उनकी पीठ क्यों दिखा रहे हैं सर मोटा जेल में जब ये कोरोना हुआ उसके बाद उनको डायरेक्टर का जो वहाँ पर एक अलग से घर है वहाँ पर रखा गया है। फोटो अपॉर्चुनिटी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं ऐसा लग रहा है बिल्कुल। तो मतलब लेकिन उनकी नजर तो होगी ना, देखिए बिना लालू यादव के तेजस्वी प्रभु जी अगर कमाल कर जाते हैं तो ये तो फिर मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी शानदार तरीके से क्या शिफ्टिंग मानी जा सकती है। कह रहे लालू जी होते शायद ये परिवर्तन इतना जल्दी नहीं होता, बहुत मुश्किल होती है उसके बाद, क्योंकि जो आरोप लग रहा था जंगल राज का वो तो 15 साल पहले का। लेकिन जब लालू जी को बताया गया होगा कि देखिए सारी होर्डिंग से आपका चेहरा हम निकाल रहे हैं अब आप कहीं दिखने वाले नहीं है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी? आपको लगता है उनसे बिना पूछे उतार रहा होगा? लालू जी माहिर है चुनाव लड़ाने में, तो उन्होंने कह दिया होगा कि मेरी मेरी तस्वीर हटा दो, अब कोई फायदा नहीं, मेरे ऊपर अटैक नहीं हो तुम्हारे ऊपर अटैक हो। संगीत जी बोलिए। लेकिन इसके बहुत गहरे मायने ये भी है कि तेजस्वी यादव ने लालू की पूरी अपने पिता की सारी पृष्ठभूमि को और उनके अपराध को स्वीकार किया,
कि वो इस लायक नहीं है कि उनको हम पोस्टर में जगह दे सकें, और जब उनको पोस्टर में हम जगह देते हैं तो हम चुनाव हार जाएंगे। यानी कि अपने पिता की सारी राजनीति को तेजस्वी ने खारिज किया, उनके अपराध को स्वीकार किया। मजाक करूंगा इनके ऊपर, क्योंकि वो अटल जी की पिक्चर बिहार के किसी इलेक्शन में नहीं आई, पिछली बार तो दिखाई दी थी। देखिए अटल जी पिछली बार थी, इस बार नहीं थी। देखिए कोई बीजेपी ने ऐसा अपराध नहीं किया था, लेकिन आप इसीलिए कह रहा हूँ, हम और सब आप कल से यही कह रहे हैं अपराध नहीं, आप अच्छे काम के लिए भी वोट नहीं लगाते। लेकिन वही जेडीयू नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, 17-18 महीनों तक सरकार चलती है, नीतीश कुमार के मंच पर उनके दोनों बेटे बड़े बड़े पदों के साथ उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का, तब वहां पर क्या ये चीजें नजर नहीं आती हैं? और अब 3 साल के बाद उनके अंदर मतलब इतना क्राइम देखने लगा। 7 दिन के लिए सरकार बनाई थी नीतीश कुमार ने जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, 3 मार्च को बनाई थी, 2010 को हफ्ते बाद हटाना पड़ा उसको। चाचा भतीजे के बीच गौरव भाटिया जी, चाचा और गौरव भाटिया चले गए हैं, चाचा और भतीजे की इस लड़ाई में जो हमने देखा, प्रेमचंद मिश्रा जी, लालू प्रसाद यादव, क्या वाकई जो उनकी चुनावी सोच थी वही एक्सटेंड हुई है तेजस्वी यादव के साथ? क्योंकि कई लोग मान रहे थे कि तेजस्वी का एक शार्पनेस चुनावी मैदान में दिखा। तेजस्वी यादव ने एक नई सोच को भी उसमें ऐड किया, अनुभव और युवा ये मिश्रण बनाया और वो सक्सीड किया। हमने नौजवानों की बात की, हमने उनके शिक्षा रोजगार की बात की, ये लोगों को नजदीक लाया कि 15 साल में जो सत्ता में बैठे रहे वो हमें झूठे वादे करते रहे और बिहार को कुछ नहीं दिया, न रोजगार सृजन हुआ, न बेटर क्वालिटी एजुकेशन के कोई इंजाम बिहार में हो पाया। तो लोगों को लगा कि ये लोग जो है वो जुमलेबाज हैं और हमारी समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। बड़े लोगों का सवाल पूछना चाह रहे हैं मिश्रा जी, एक छोटा सा सवाल है, मैं स्टूडियो से बोल रहा हूँ। ऐसी सोच आपके तेज तर्रार युवा नेता जिनको आप पिछले 15 साल से ये कर रहे हैं, राहुल जी में क्यों नहीं दिखता? एलजेपी का नकारात्मक भूमिका रही है, उसका कोई सकारात्मक रोल या नामो निशान बिहार की राजनीति में नहीं बचा। एलजेपी की नकारात्मक भूमिका रही है ये वो कह रहे थे, पूछे रागी जी। प्रेमचंद मिश्रा जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपके युवराज राहुल गांधी जी ने में ऐसी क्यों नहीं तेजस्विता दिखती जो तेजस्वी में दिखा? कहां गलती हो गई आपसे? राहुल गांधी जी युवराज नहीं है, वो हमारे नेता है। और ये जो अहंकार वाला मामला आरएसएस बीजेपी करता है, तो सारी आप लोगों को सारे प्रयोग किए थे राहुल गांधी जी पर भी, जिस पाठशाला से पढ़ के आए ना आप, और यहाँ जो विश्लेषक बन के बनते हैं, सबको पता है कि आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। ये अहंकार खत्म कर देगा, आरएसएस को भी खत्म करेगा, आप मेरी बीजेपी को भी खत्म करेगा। आपको अभी भी एहसास नहीं हो रहा है? एक के बाद जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ हार रहे हैं, जनता समझ गई है। ये धोखेबाज और मक्कार लोगों के चक्कर में लोग एक बार फंसता है, काट की हानि बार बार नहीं फंसती है। नहीं, आप क्या है सबको पता है, ये व्यंग्यात्मक और सब बात करते करते आप अपना नाश कर रहे हैं। ये देखिए ना, बिहार के लोगों ने क्या मैंडेट दिया है, आप अभी भी रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि परिस्थितियाँ कहाँ है। ये झूठ बोलकर और किसी नेता के बारे में, बिहार की राजनीति में आप खारिज हो गए, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? नहीं चलने वाली है देश की राजनीति से लोगों ने की पॉलिटिक्स को जान लिया है। बीजेपी किस तरह से फ्रॉड करती है, किस तरह से झूठे दावा करती है, किस तरह से धार्मिक पाखंड करती है, वो लोग समझ गए हैं। लोगों को बुनियादी सुविधा चाहिए, शिक्षा रोजगार चाहिए। ये मंदिर मस्जिद का चक्कर पाकिस्तान कब्रिस्तान और ये सब जो आप लोग करते रहे हैं ना, वो नहीं चलेगा। बिहार के लोगों के जनादेश का मतलब समझिए। अब आप धार्मिक उन्माद के आधार पर लोगों को नहीं ठग सकते हैं। पेट में 2 रोटी चाहिए, खाना चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेटर हेल्थ फैसिलिटी चाहिए। ये पाकिस्तान के नाम पर बिहार में वोट नहीं मिला ना, समझ में अभी भी नहीं आ रहा है? कुछ भी बोल देते किसी नेता के बारे में, अरे आप लोगों ने लालकृष्ण आडवाणी को रुला रुला के मारा है, आप क्या बात करते हैं? आपके पोस्टरों से नीतीश कुमार को बिहार से गायब कर दिया, जो आपके चीफ मिनिस्टर बने हुए थे। अब झगड़ा नहीं करते, लोगों को समझिए। संजय जी, आपका माइक गिर गया, जरा उसको दुरुस्त कीजिए, तब तक वापस आते हैं आपके पास। प्रेम जी ठीक है, चलिए आज आपके पति और भाई, आपकी अगर सरकार बन रही है आपके लिए खुशी का दिन है आज, गुस्सा मत होइए, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लोग उकसाएंगे। बार बार तो नेताजी कह रहे हैं तेजस्वी के भैया उकसावे में नहीं आना है, तो आप तो भले ही वहाँ बिहार में छोटे पार्टनर हैं, वैसे तो मार्गदर्शक तो आप ही हैं,
तो आप तो कम से कम उकसावे में बताइए, जरा एक बार तस्वीर दिखाते हैं दर्शकों को फिर से ग्राफिक के जरिए। देखिए 105 सीट पर महागठबंधन आगे चल रहा है, एनडीए 77 सीटों पर आगे चल रहा है, 195 रुझान हमारे पास है 243 में से, इसमें अन्य 13 सीटों पर आगे चल रहे हैं। एनडीए को इस 77 की बढ़त में भी 29 सीटों का नुकसान है पिछली बार के मुकाबले, और आरजेडी को पिछली बार के मुकाबले 17 सीटों का लाभ अभी तक दिखाई दे रहा है। आरजेडी इस समय 68 सीट पर आगे चल रही है, कांग्रेस 27 पर आगे चल रही है, और लेफ्ट 11 सीटों पर आगे चल रही है। 27 सीटें जो 2015 में थी रोहित, अब उसको छू लिया है कम से कम कांग्रेस ने। क्या कांग्रेस पिछली बार से बेहतर कर पाएगी, ये बड़ा सवाल। अब 27 का आंकड़ा जो पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी वहां तक कांग्रेस आ चुकी, अब आगे नजर रहेगी। बीजेपी बड़े पार्टनर के तौर पर 45 सीटें लेकर आगे चल रही है, जेडीयू 28 सीट पर आगे है, और आरजेडी 69 सीटों पर इस समय बढ़त हासिल कर चुकी है। अब तक 190 से ज्यादा सीटों के रुझान आ चुके हैं, लगभग 200 रुझान होने वाले हैं, 198 रुझान आ चुके हैं, 107 आरजेडी प्लस, 77 एनडीए प्लस। क्या ये रुझान इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे 243 पूरे होने तक और आरजेडी स्मूथली सेल कर जाएगी, या फिर पिछली बार 9:30 बजे के बाद ही मामला इधर उधर होना शुरू हुआ था अंजना, अगर आपको याद हो। बिल्कुल, और 9:35 हुए हैं, थोड़ा सा इंतजार करना होगा इसीलिए। देखिए, और खास तौर पर बिहार, ये तमाम एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि जब बात बिहार की होती है तो कहा जाता है कि हर बिहारी चुनाव को इतनी अच्छी तरह से समझता है, उसकी राजनीतिक चेतना इतनी आगे की रहती है, वो बड़े अच्छे से चीजों को समझता है, जानता है, इसीलिए कई बार एक्सपर्ट्स भी नहीं भाप पाते हैं कि उसके मन में क्या है, उसको छिपाना भी आता है, उसको जताना भी आता है, और कितना क्या करना है ये भी उसको सही अनुपात में पता होता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, लगभग डबल सेंचुरी बनने वाली है रुझानों की, और उसके मुताबिक अभी तक 106 पर आरजेडी आगे है, महागठबंधन इसे कह लीजिए जिसमें आरजेडी और कांग्रेस और सीपीआईएमएल है, वहीं एनडीए अब 80 का आंकड़ा छूते हुए आगे बढ़ने के करीब है। तो फासला तो शुरुआती जो आपने देखा था उससे बढ़ा है, लेकिन क्या ये फासला बरकरार रहेगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें, बीजेपी को अगर आप देखें तो वो बड़ी पार्टी एनडीए में साफ बनती हुई दिखाई दे रही है। पिछले बार के मुकाबले आप देखिए, अकेले लड़े थे तब भी उन्होंने परफॉर्मेंस जो अपनी रखी थी उसमें लगभग 24% के आसपास वोट परसेंटेज में वो सबसे आगे थे, वहीं पर सीट उनके पास 54 के आसपास आई थी, लेकिन इस बार वो 47 के करीब पहुंचते हुए अभी ही दिखाई दे रहे हैं, और डबल सेंचुरी बन गई है। रुझानों के मुताबिक 200 में से जो 243 में से 200 सीटों का रुझान आया है, सेंचुरी पार करते हुए 107 के करीब रुझानों के मुताबिक पहुंचते हुए महागठबंधन, वही एनडीए अभी 80 को छूने से भी एक सीट पीछे है। ये बड़ा संकेत सुबह 9:30 बजे का आप बिहार के चुनावों पर देख रहे हैं। जल्दी जल्दी एक एक कमेंट लेते हैं। सेफ जोन टाइम पीरियड आया आपका आशुतोष जी? लगा एज तो है, साफ है, साफ है जी, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली एनडीए बोलिए कि निष्कर्ष अंतिम उपसंहार बोलिए, इसके लिए थोड़े बुलाया गया। आप बोल दीजिए आप बोल दीजिए आपकी राय क्या है, एनडीए की सरकार बनवा दी, मैं बोल बनवा दूं? देखिए खट्टा मीठा आप दोनों एक दूसरे के त्यागी जी का सोचना कि एग्जिट पोल के पूरक है, आगे बढ़िए बोलिए। बेसिक चीज क्या है कि इस वक्त आरजेडी गठबंधन को एज है, अब ये एज कितना बढ़ता है नहीं बढ़ पाता ये अलग सवाल है। आपको आशंका है ना? अभी अभी तो कितने 2 घंटे हुए हमारे ख्याल से काउंटिंग हुए, तो चुनाव के अंदर आने वाले अभी कितने राउंड, मुश्किल से 4 या 5 राउंड या 3 राउंड हमारे ख्याल से। 15 सीटें और चाहिए आरजेडी को। संजय जी, आपका एग्जिट पोल या हमारा एग्जिट पोल बताइए? उनका ओपिनियन पोल, आपका वाला कौन सा है जो एक्सेस माइ इंडिया का हमने दिखाया और जो आपने आज आंकड़ा शेयर किया? मैं तो अपने पे टिके रहूंगा। इसको देखने के मैंने 131 से 137 सीटें 139 सीटें दिए हैं एनडीए को, नहीं महागठबंधन। इतना खराब मैं पोल नहीं करता। चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जो बिहार की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और मुझे लगता है सुबह सुबह भागलपुर से ही मंगाया हुआ कोई सिल्क कुर्ता उर्ता पहनकर बैठे हैं। बाकी सब तो आप चमक रहे हैं सर, और आपने कोविड को भी जबरदस्त शिकस्त देकर वापसी की है, लेकिन यहाँ पर तो मामला खराब होता हुआ दिख रहा है, और आप बड़े भैया बन रहे हैं, आप आत्मनिर्भर होना सीख लीजिए, जनता कह रही है। आवाज नहीं आ रही शाहनवाज जी, माइक लगता है कुछ दिक्कत कर रहा है सर।
माइक में कुछ परेशानी है, उसको ठीक करते हैं। माइक एक बार फिर से उनका ऑडियो चेक कीजिए, उसके बाद उनके पास चलेंगे। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती संकेत है, देखिए पूरे बिहार में जिस जिसने चुनाव को कवर किया देखा, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ बीजेपी की, जिसमें वो कहते थे बिहार को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और दूसरा पोस्टर अगर किसी का होता था तो वो सिर्फ तेजस्वी यादव का, आरजेडी का होता था। लेकिन बिहार में बीजेपी आत्मनिर्भर बन पाएगी या नहीं, इसी पर सवाल था। अब शायद ऑडियो ठीक हो गया, बोलिए शाहनवाज जी। जी जी देखिए, मैं पहली बार अभी बैठा हूं और आपके आंकड़े हमारे मन मुताबिक नहीं है। 110 और 85 दिखा रहे हैं, लेकिन हम दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। पिछली बार 10-11 बजे तक तो हम ही लोग जीत रहे थे, लेकिन बाद में नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए। लेकिन जिस तरह बताया जा रहा था कि हमारा परफॉर्मेंस वैसा नहीं होगा, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ठीक लग रहा है और उम्मीद है कि जब फाइनल नतीजे आएंगे तो जरूर हम सरकार के नजदीक पहुंचेंगे। अब मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। 15 साल से सरकार में है, हमसे उम्मीदें, हमसे अपेक्षा बहुत है। जी बड़ भैया छोट भैया। जी अंजना जी, नहीं भाई तो भाई होता है। मुझसे बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि आप बड़े भाई हैं छोटे भाई, तो हमने कहा था हम जुड़वा भाई हैं, क्योंकि हम कई बार बराबर बराबर सीट लड़ने पर तो जुड़वा ही कहेंगे ना। बिहार में बड़ा छोटा भाई वाला कंसेप्ट अब नहीं है। जुड़वा कह रहे हैं, अभी अभी तो क्या क्या हुआ है, देखिए उनको 9 सीटें और चाहिए आरजेडी प्लस को। सर अब एग्जाम में 9 सीटें और चाहिए, एग्जाम में दो भाई बैठे हैं, अगर कम नहीं है। नहीं नहीं ये सही है कि एग्जाम में दो भाई बैठते हैं, कम नंबर ज्यादा आए, लेकिन भाई तो भाई होते हैं। हमने गठबंधन ईमानदारी से चुनाव लड़ा है, लेकिन आपके दूसरे भाई ये भी को तो मालूम है कि खारिज कर रही है ना, 31 पे वो है, 48 पे आप पहुंच गए, 50 के आंकड़े को आप छूने वाले हैं, वो 31 बहुत दूर है बराबरी पर लड़ने के बावजूद। और वो तो आपसे, आपने तो 11 सीटें वीआईपी को दे दी, उन्होंने तो हम पार्टी को 7 सीटें दी है, तो वो आपसे ज्यादा पर लड़ रहे हैं। नहीं हम तो आपका स्क्रीन नीचे देख रहे हैं जिसमें एनडीए और प्लस दिखा रहे हैं, तो जब आप ही हमें एक बता रहे हैं तो हम अलग अलग देख ही नहीं रहे कि हमें कितनी आ रही, उनको कितनी आ रही है। हमने ईमानदारी से चुनाव लड़ा है, उनकी सीटों पर मदद की है और एक गठबंधन में लड़े हैं, तो फिर भी मुझे उम्मीद है। देखिए 87 तो हमें आप -24 दिखा रहे हैं, लेकिन अभी दावों का वक्त तो नहीं है। जब ये नतीजे आएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो नतीजे हमारे पक्ष में जाएंगे। अभी भी ये मैं आसानी ठीक है शहनवाजी, मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से, एक बार आपके बताते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव की आवाज का रुख करेंगे। श्वेता सिंह वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 212 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, 243 में से 213 के रुझान सामने आ गए हैं। एनडीए 87 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन आरजेडी बहुत ज्यादा, सिर्फ 10 सीटें उसको रुझानों में चाहिए सरकार बनाने के लिए। 112 पर आरजेडी की ये बड़ी बढ़त सुबह से ही कायम है। और शहनवाज जी, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है सुबह 8 बजे से, जब कभी भी ऐसा लगा हो कि एनडीए महागठबंधन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो आंकड़े आरजेडी प्लस यानी कि महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 10 सीट कम से कम इन रुझानों के जरिए ही सही, लेकिन चाहिए। जबकि 89 देखिए एनडीए भी पीछा करता हुआ आगे की ओर बढ़ता हुआ, 14 पर आने सीधे रुक करेंगे श्वेता सिंह का। इस वक्त तेजस्वी यादव की आवाज के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजस्वी के आवाज के बाहर तो श्वेता रौनक दिखाई दे रही है, धूप भी अब चढ़ रही है, मौसम भी मतलब सुबह ठंड थी, इस समय गर्मी हो रही होगी, वहां पर लोग क्या बता रहे हैं 10 सीटें दूर सरकार बनाने से। जी जी जी, सिर्फ रौनक नहीं बढ़ रही है बल्कि मैं आपको एक और तस्वीर दिखा दूं कि सुरक्षा भी बढ़ रही है। सुरक्षा कर्मी यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, देखिए महिला पुलिसकर्मियां भी आपको नजर आएंगी यहां पर और पुरुष भी नजर आएंगे, बड़ी तादाद में यहां पर उनकी तैनाती हो गई है। अब बाहर का नजारा भी देख लीजिए, बाहर की तस्वीरें क्या कह रही हैं। बाहर की तस्वीरें ये कह रही हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो समर्थक हैं थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, वो धीरे धीरे यहां पर अब जमा हो रहे हैं। किस आशा में? देखिए हमारे युवा नेता पूरे भारतवर्ष के पहले यूथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैम बिल्कुल, हम लोगों को हमेशा डराया गया कि जात पात की यहाँ राजनीति होती है और जंगल रास्ता, इस बार जात पात नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम लोगों को युवाओं की सरकार चाहिए, यादव की सरकार मुझे चाहिए थी, क्योंकि वो जात पात नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, तेजस्वी जी ने, आप उनके क्षेत्र से? जी बिल्कुल, हम राघोपुर से ही बिलोंग करते हैं। मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि तेजस्वी का नया बिहार बनने जा रहा है और एकदम युवा और सरकार नई सोच के साथ, और इस बात को हमेशा मन में नहीं रखिएगा।
और बिहार 2020 में बिहार इलेक्शन में तेजस्वी सरकार बने, टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार हो गए, 2020 था लेकिन टेस्ट मैच के लिए। जी 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 बिल्कुल, बिहार एक आज के दिन में बड़ा संयम में है, सब संयम में है। देखिए देखिए, आइडिया ऑफ हेट्रेड पॉलिटिक्स जो है वो इस बिहार से एक पूरे देश में मैसेज देने जा रहा है कि आइडिया ऑफ हेट्रेड पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, आइडिया ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट चलेगा। आइडिया ऑफ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, युवाओं की सरकार बनने जा रही है, यही चलने ही वाला है बिहार में, यही चलना ही है, यही चलेगा। सबसे बड़ी बड़ी चीज कौन सी आपको लग रहा है कि यह रोजगार, जो युवा का जो दर्द है रोजगार, सभी जाति के युवा जो है तेजस्वी जी को नेता मान लिए हैं। बिहार के, बिहार और यूपी के गद्दी दिल्ली तक जाएगा और आने वाले समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितना भी भारत में स्टेट इलेक्शन होने जा रहा है, जो देगा युवाओं का रोजगार वही करेगा भारत में सरकार, उसी का सरकार बनने जा रहा है। नीतीश जी बिल्कुल फेल रहे और चारों तरफ भ्रष्टाचार का माहौल है। आपको लग रहा है कि देखिए यही चित्र यहाँ पर कि एजेंडा कह रहे हैं कि बिहार से सेट होने वाला है, सिर्फ ये 5 साल में संतुष्टि नहीं है सबको कि यहाँ पर एक सरकार आएगी, बल्कि कह रहे हैं कि ये यहाँ से देश के लिए एजेंडा सेट हो रहा है। चित्र कहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है तेजस्वी यादव के जो चाहने वाले हैं थोड़ा सा उनको इंतजार करना चाहिए। देखिए एनडीए एक समय ऐसा लग रहा था कि बहुत दूरी पर है, लेकिन धीरे धीरे करके वो आगे की ओर बढ़ता हुआ, एनडीए 92 सीटों पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 219 के रुझान सामने आए हैं, 243 में से 92 पर एनडीए की बढ़त कायम है। आरजेडी प्लस 112 पर 10 रुझान, अगर आरजेडी प्लस के पक्ष में आते हैं तो रुझानों में कम से कम सरकार बना लेंगे, लेकिन फाइनल आंकड़ा आने में अभी थोड़ा वक्त है। अन्य के खाते में 15 सीटें जाती हुई, इस अन्य में आप एलजेपी को ले सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को ले सकते हैं, पप्पू यादव की पार्टी को ले सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को ले सकते हैं, किशनगंज और उसके आसपास जिन्होंने सीमांचल के इलाकों में अब कुल 24 सीटों में से 14 जगह पर अपने उम्मीदवार उतारे थे असदुद्दीन ओवैसी ने, जिनमें से 11 मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे। फिलहाल बिहार में 220 के अब तक की बड़ी खबर आपको बता दें, नीचे स्क्रीन पर देखिए आप 221 के रुझान सामने आए हैं, 113 पर आरजेडी प्लस, 93 पर एनडीए, अन्य 15 पर जेडीयू, 37 पर बीजेपी, 49 पर बीजेपी जेडीयू से अच्छा प्रदर्शन करती हुई आरजेडी, 71 पर कांग्रेस पार्टी अच्छा शानदार प्रदर्शन करती हुई, 1995 में उसको फाइनली 29 सीटें सबसे ज्यादा मिली थी। उसके बाद आपको बता दें, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने कम से कम रुझानों में ही सही कम से कम 2020 में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है, 27 के मुकाबले 2015 में जो उसको मिली थी सीटें, 31 पर रुझानों में कांग्रेस पार्टी, जबकि लेफ्ट पार्टियां 29 सीटों पर इस महागठबंधन में चुनाव लड़ रही है वो 11 पर। आपको ये भी बताते चले कि कौन सी पार्टी कितने कैंडिडेट खड़ी की है, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी 110 पर, जबकि वीआईपी को उसने 11 सीटें दी हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें महागठबंधन की, आरजेडी 144 पर 70 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो रुझान सामने आए हैं उनमें इन 70 में से 31 सीटों पर अपनी बढ़त के साथ लगातार आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 29 सीटें ऐसी हैं जहां पर लेफ्ट पार्टियों ने इस महागठबंधन के जरिए अपने उम्मीदवार उतारे थे और वहां पर लेफ्ट पार्टियां भी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद एनडीए बहुत पीछे रह जाएगा और यहां पर महागठबंधन एक बहुत बड़े बढ़त के साथ आगे चला जाएगा, लेकिन फिलहाल ये दूरी घटती हुई दिखाई दे रही है, 114 पर आरजेडी प्लस, 93 पर एनडीए यहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 222 के रुझान सामने आए हैं, 243 सीटें हैं कुल, जिनमें से 222 के रुझान ये बताते हैं कि आरजेडी को 122 यानी कि बस थोड़ा सा फासला इन रुझानों में अपनी सरकार बनाने के लिए, लेकिन क्या फाइनल नतीजे भी इसी तरह के होंगे ये अपने आप में महत्वपूर्ण। और ये कुर्सी की खींचतान भी आप देख पा रहे हैं, दोनों ही तरफ एनडीए और महागठबंधन की तरफ कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है, एक तरफ एनडीए का भी दावा है कि हमारी ही सरकार बनेगी जब तक नतीजे आएंगे तब तक, और महागठबंधन के अपने दावे हैं, तेजस्वी यादव के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वहां पर आपको बताते चले उनके तमाम समर्थकों का भी जवाबड़ा, श्वेता सिंह जैसा कि पल पल की जानकारी वहां से हमें पहुंचा रही है, 222 में से 115 पर आरजेडी प्लस, 122 चाहिए, 116 देखिए एक सीट और, 116 पर आरजेडी प्लस, 122 चाहिए उसे सरकार बनाने के लिए, और धीरे धीरे करके यहां पर महागठबंधन आगे की ओर बढ़ता हुआ, और अगर 122 के आंकड़े को आरजेडी छूती है तो यकीनन 15 सालों के बाद ये उसके लिए एक बड़ी कामयाबी होगी, वो भी तब जब लालू यादव का दौर खत्म होता हुआ और तेजस्वी यादव एक युवा चेहरे के तौर पर बिहार के भविष्य की राजनीति को तय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुझानों में महागठबंधन बहुमत के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा 117, 18, 19, 20, 21, 22, 5 सीटें और चाहिए, आरजेडी प्लस को 5 सीटें और चाहिए, 122 का आंकड़ा आते ही कम से कम रुझानों में वो अपनी सरकार बनाने की तरफ बढ़ जाएगा, जबकि 93 पर एनडीए, और ये आंकड़ा घटता बढ़ता हुआ भी, लेकिन अंजना जी सुबह से आशुतोष कह रहे थे थोड़ी देर पहले भी
और बार बार कह रहे थे, असर्ट करके कह रहे थे कि थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, 11 बजे तक देख लेना चाहिए, ईवीएम एक बार पूरी खुल जाए उसके बाद आंकड़ा बदलेगा, उस आंकड़े के हिसाब से देखना चाहिए। आशुतोष जी अनुभव ले चुके हैं ना भाई, ग्राउंड जीरो का अनुभव ले चुके हैं, हाथ जला चुके हैं, लेकिन ये देखिए रेस ट्रैक पर फिलहाल कम से कम जो रुझान है उसमें रेस ट्रैक पर तेजस्वी यादव आगे दिखाई दे रहे हैं 116 सीटों के साथ। तेजस्वी की अगुवाई वाला महागठबंधन ऐसा लगता है अभी तक बढ़त पर है और नीतीश कुमार थोड़ा सा पिछड़ गए हैं, और पिछड़ ऐसे गए हैं कि रेस में भले ही वो 92 सीटों पर दिख रहे हैं लेकिन अंदरूनी रेस में गठबंधन की बीजेपी उनसे आगे है और नीतीश कुमार बीजेपी से काफी पीछे इस समय दिखाई दे रहे हैं। ये ब्रेकअप आपके सामने स्क्रीन पर है, आरजेडी 73 कांग्रेस 33 सीटों पर आगे चल रही है। आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस के भी दिन बहुर रहे हैं, पिछली बार 27 सीटें उन्होंने जीती थी, इस बार 33 पर उन्होंने बढ़त हासिल कर ली है। ये पर्दा ये लोग उठा रहे हैं आके तेजस्वी नीतीश, वो भी बताइए। ये देखिए ना, आए नीतीश कुमार पर्दा उठाएंगे तो एनडीए का पूरा आपको ब्रेकअप दिखाई देगा। जेडीयू की 35 और बीजेपी की 50 सीटों पर बढ़त है, वीआईपी 5 सीटों पर आगे चल रही है। अब तेजस्वी ने पर्दा उठाया तो आरजेडी 73 और कांग्रेस 33 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य 10 सीटों पर आगे चल रहे हैं। आशुतोष जी आपकी अनुपस्थिति में हम ये जिक्र कर रहे थे कि जो आपने फॉर्मूला आज पकड़ा है बार बार ये कहने का, नहीं मैं तो 11:15 तक वेट करना चाहता हूँ, वो शायद इस वजह से है कि आप खुद ग्राउंड जीरो का अनुभव रखते हैं बतौर पत्रकार नहीं बतौर चुनाव लड़ने वाले भी, और आपको इस बात का एहसास है कि कैसे चीजें मिनटों में बदल जाती हैं कई बार ईवीएम। मैं दो चीजें, पहली बात ये कि कोविड की वजह से जो अरेंजमेंट ईवीएम खुलती है रिजल्ट बदल जाता है अगली ईवीएम में, नहीं एक राउंड में कुछ आता है दूसरे राउंड में कुछ और हो जाता है। दरअसल कोविड है, कोविड की वजह से जो अरेंजमेंट और काउंटिंग होगा उसमें एक्स्ट्रा कॉशन होगा, मतलब वो उस गति से नहीं होगा जिस गति से पहले होता था। दूसरी बात क्या है कि अभी बमुश्किल 4 या 5 राउंड की काउंटिंग हुई होगी, मैं अनुमान से कह रहा हूँ, कम से कम अभी 15 से 20 राउंड की काउंटिंग और होगी, तो 4-5 राउंड के आधार पर आप ये कह देंगे एग्जैक्टली यही रिजल्ट आएगा, वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। या तो फिर सीटें ये दिखाएं कि जमीन आसमान का फर्क आ गया, एक को 2 सीट मिले अगले को 25 सीट मिले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर 40-60 का भी रेशियो है तो 40-60 आराम से 60-40 हो सकता है। तो जब तक 10 राउंड की काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक आप निश्चित तौर पर कहने की स्थिति में नहीं होती, या नहीं कहना चाहिए। मेरा ये शुरुआती रुझान से थोड़ा मामला पलटता हुआ दिख रहा है संजय जी, अभी अगर हम देखें तो तब तो डबल तक का चल रहा था और अब देखिए 92 तक पहुंच गया है एनडीए, उसमें बीजेपी बड़ी पार्टी साफ दिख रही है, वहीं 116 पर अब महागठबंधन है। मुझे बाजी पलटती हुई तो दिखाई नहीं पड़ती है, जरूर है कि जिस तरह का फासला पहले दिखाई पड़ रहा था वो फासला कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और मुझे लगता है कि फाइनली जो आंकड़े आएंगे उसमें फासला उतना नहीं होगा जितना कुछ पोल्स ने दिखाया, ये मेरा अभी इस तरह का मेरा अनुमान है, लेकिन बाजी पलटती हुई मुझे दिखाई नहीं। जैसे मैं आपको बता, हरियाणा के जब हम लोग कर रहे थे तो हरियाणा में शुरू में बीजेपी बहुत आगे दिखाई पड़ रही थी, बाद में फासला घटते घटते वो मेजोरिटी के मार्क्स से नीचे आ गए। अभी जो लीड जब स्लो आ रही है पहले के मुकाबले बहुत स्लो चल रही है लीड देखा, और उसमें जैसे जैसे अन्य बढ़ते हैं उससे गठबंधन कम हो जाता है महागठबंधन, तो वो देख रहा हूँ कि बीजेपी वहीं अटकी हुई है, ये उधर कम होते तो इधर बढ़ जाता है। और ये भी देखिए कि अन्य पर एनडीए की नजर कितनी होगी, कांग्रेस वाले वैसे ही अपने विधायकों को छुपाए फिर रहे हैं, क्यों रागे जी अन्य पर नजर होगी, किसकी नजर अन्य पर, तो ठीक है बीजेपी की। देखिए बीजेपी एक नया फार्मूला है, जहां हम सरकार बनाते हैं वहां तो बनाते हैं, जहां नहीं बनाते वहां जरूर बनाते हैं सरकार। तो अगर इनको 160 के ऊपर सीटें नहीं आई तो हमेशा तलवार लटकी रहेगी। चलिए आप लोगों की टिप्पणी बीच बीच में लेते रहेंगे, लेकिन अब वक्त है एक बार फिर से जाने का हमारे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के पास, क्योंकि यहाँ से जो तस्वीर सामने आएगी उससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, और जो वादा हम लगातार आपसे कर रहे थे कि हम वही खाता में इस बार क्या क्या दिखाएंगे, तो क्षेत्रवार तरीके से हम इससे शुरुआत करेंगे आपको, और इसी के साथ जो वही खाता में जो एक सेकेंड सीट गणित पर जाते हैं, और सीट गणित पर जाकर जो हम एक एक करके आपको अब तस्वीर दिखाएंगे उससे आप पूरी बात एक एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। 2015 के आंकड़े देखें और 2020 के आंकड़े, लेकिन अभी हम आपको शुरुआत कर रहे हैं किसको कितनी सीट और नफा नुकसान से। तो एनडीए में ये जो आप देख रहे हैं 92 सीट, 27 की गिरावट आप देख रहे हैं एनडीए में, वहीं पर 118 और प्लस 19 होता हुआ ये में। लेकिन इस मैप पर नजर आप डालिए, ये देख रहे हैं आप 226 का अभी तक का जो रुझान है वो आ गया है, इसमें आप रंग भी देख लीजिए और समझ जाइएगा बीजेपी किस अनुपात में दिख रहा है आपको, जेडीयू किस अनुपात में दिख रहा है और आरजेडी किस अनुपात में दिख रहा है, ये जो नीला रंग आप देख रहे हैं। अब गठबंधन में जब हम क्षेत्रवार तरीके से मैप पर जाते हैं और फिर आपको एक एक करके दोनों ही 2015 बनाम 2020 अब हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए एनडीए का आपको सैफ्रन कलर दिख रहा है, आरजेडी प्लस का नीला रंग,
125, 110 और LJP, ये आप 2015 का देख रहे हैं, इसमें आप JDU मिलाकर देख रहे हैं। यहां पर इस बार देख लीजिए तो मामला कैसे अभी तक के रुझानों के मुताबिक जा रहा है RJD के पक्ष में, यानी महागठबंधन के पक्ष में। अब हम इसी को पार्टी के हिसाब से जरा आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये पार्टी के हिसाब से जब आप देखेंगे तो ये देखिए पूरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं। BJP 51 पर, JDU 2020 के नतीजे नहीं, अभी इसे रुझान के तौर पर देखिए तो रुझान के तौर पर 51 पर BJP, JDU 36 पर, VIP 5 और HAMB, मतलब लगता है इनका भी खाता खुलने वाला है रुझानों के मुताबिक। RJD 74 फिलहाल रुझानों के मुताबिक बहुत आगे बढ़ती हुई। वहीं आप देखिए, कम से कम JDU से अगर आप कंपेयर करें तो लगभग डबल होता हुआ, JDU का डबल होता हुआ RJD, बहुत बड़ा संकेत है। नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी, इन आंकड़ों को आपको समझना भी होगा, उसको आपको देखना पड़ेगा पार्टियों के अनुपात में वो कैसे बढ़ रहा है। वहीं जब आप कांग्रेस को देखते हैं तो JDU और कांग्रेस में बहुत फर्क नहीं बचा है, 36 बनाम 33, ये देखिए आप JDU और कांग्रेस का हाल जब आप देख रहे हैं, 3 का फासला बचा हुआ है। वहीं आप CPM माले को देखिए तो परफॉर्मेंस अच्छी रह रही है, और इस बार मानिए अगर तेजस्वी यादव की स्ट्रैटेजी में सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात की होनी चाहिए तो वो गठबंधन की स्ट्रैटेजी। इस बार उन्होंने CPI माले के साथ हाथ मिलाया, ये एक बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि जिन इलाकों में वर्चस्व है CPI माले का उन्होंने उसको थामा, लोकसभा में नहीं किया था। कन्हैया कुमार खुलकर तेजस्वी के खिलाफ बोल रहे थे कि आपको एक साथ आना था, यानी एंटी NDA वोट को बटने से रोकना एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी के तौर पर भी काम आती हुई दिखाई दे रही है। ये आप CPI माले के परफॉर्मेंस से देख सकते हैं। अब CPM को देखिए, 3 सीटें आ रही है, अब CPI को देखिए 1 सीट, LJP वही 10 सीटों पर रुझानों के मुताबिक आगे है, यानी क्या अपनी परफॉर्मेंस अच्छी इस बार चिराग पासवान कर पाएंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब एक बार जरा अगर हम लोग सीधा वापस जाएं और आपको दिखाएं कि अभी तक जो ये देखिए, अब हम आपको दिखाएंगे सीधी टक्कर। सीधी टक्कर भी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है हमारे इस डेटा इंटेलिजेंस यूनिट में, क्योंकि इस सीधी टक्कर के जरिए आप समझेंगे कि क्या BJP वर्सेस RJD, ये देखिए यही तो असली रेस है जो आपको देखना है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस RJD, स्ट्राइक रेट किसका अच्छा, 48 बनाम 52, 54 सीटें जो लड़ रहे थे उसमें 26 पर आगे है BJP, स्ट्राइक रेट हुई 48%। इधर जो महागठबंधन RJD है उसका 28, ये हम आपको पार्टी वाइज दिखा रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम आपको जरा दिखाते हैं JDU वर्सेस RJD, आपको पता ही होगा पलड़ा कैसे यहाँ पर बिल्कुल पलट जाएगा, नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव। देखिए ये एक तरफ 30% के स्ट्राइक रेट पर नीतीश कुमार जूझ रहे हैं, 15 साल का अनुभव काम ना आया, गुस्सा उल्टा ले आया, और इधर तेजस्वी यादव को आप देखिए तो उनका जो एक संयम भरा तरीका था जिसमें अग्रेशन भी वो काफी हद तक शामिल कर रहे थे, वो देखिए कैसे काम ला रहा है। यहाँ पर उनकी स्ट्राइक रेट 42% है, यानी लगभग दोगुना तिगुना उनका स्ट्राइक रेट है जितनी सीटें अभी तक अनुमानों के हिसाब से आएंगे, तो ये आपको पूरी तस्वीर साफ हो गई। अब हम BJP वर्सेस कांग्रेस भी करते हैं, हमने आपको कहा था ये मुझे इस पूरे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा लगता है, क्योंकि इसमें आप पार्टी बनाम पार्टी इनकी परफॉर्मेंस तो जरा आंकी जाए, गठबंधन की आड़ में सब छिप जाते हैं पीछे। यहाँ पे देखिए स्ट्राइक रेट 62% BJP के लिए, 62%। 34 सीटें जिन पर वो लड़ रहे हैं सीधे मुकाबले में, वहां पर 21 सीटों पर है, आगे हैं, और यही कांग्रेस की आप परफॉर्मेंस रेट देखिए, 34 सीटों में से 13 पर वो आगे है तो 38% पर वो दिख रहे हैं। अब एक जल्दी से आपको JDU वर्सेस कांग्रेस भी दिखा देते हैं, ये भी उतना ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ कोई चेहरा यहां पर तो नहीं है, लेकिन राहुल गांधी भी आकर खूब चुनावी प्रचार कर रहे थे। 43% बनाम 57%, ये है उनका चिराग कार्ड पर। अब जरा आते हैं चिराग पासवान, देखिए रामविलास पासवान स्ट्राइक, ये वाला जो स्ट्राइक रेट है वो अब हम आपको दिखाते हैं तमाम पार्टियों का। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं अभी तक के नतीजों के मुताबिक जो स्ट्राइक रेट है कितने पर आगे है NDA की है, ये NDA का आप समझ गए होंगे कि ये NDA का है, 228 में से 98 सीटों पर 43% स्ट्राइक रेट है। जरूरी कितना चाहिए इनको, 160% सरकार बनाने के लिए,
15 सीटें हैं और 24 में इनको चाहिए, यानी 160%, बहुत फेरबदल होगा तभी ये मुमकिन हो पाएगा। तो ये आप समझ रहे होंगे। अब हम आपको महागठबंधन के पास लिए चलते हैं। ये देखिए महागठबंधन का क्या हाल है। महागठबंधन के लिए बड़ा ही रियलिस्टिक लग रहा है अभी के मुताबिक। इनको 53% ही चाहिए, जबकि अभी उनकी स्ट्राइक रेट है 50%।